23 मई को पूरे देश में जहां लोकसभा चुनावों के नतीजे मोदी के वापसी के संदेश दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर कश्मीर से भी राहत भरी खबर सुनने को मिली। गुरुवार शाम को जम्मू कश्मीर में भारतीय सैनिकों ने खूंखार आतंकी जाकिर मूसा को मार गिराया। पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर और अब जम्मू कश्मीर आईएस के कमांडर जाकिर मूसा को मार गिराया। इस पूरे ऑपरेशन को खत्म करने में सुरक्षा बलों को 11 घंटे से भी ज्यादा का समय लग गया और रात को करीब 2 बजे आतंकी जाकिर मूसा को मार गिराने में सफलता हाथ लगी। इस ऑपरेशन को 42 राष्ट्रीय राइफल्स, एसओजी, सीआरपीएफ ने साथ मिलकर अंजाम दिया। जाकिर मूसा का मारा जाना कश्मीर में आतंक के खात्मे में एक बड़ी कामयाबी है। जाकिर मूसा के मरने के बाद घाटी में किसी भी प्रकार की हिंसा की आशंका को देखते हुए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है और त्राल के ददसरा गांव समेत पूरे इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। बताते चले कि जाकिर मूसा त्राल के ददसरा गांव में ही छिपा हुआ था जहां उसे मार गिराया गया। जाकिर मूसा के बारे में बताया जाता है कि वो हिजबुल मुजाहिदीन का पूर्व कमांडर था और अब अलकायदा से जुड़ा संगठन चलाता था जिसका नाम है अंसार गजावत उल हिंद। जाकिर मूसा इस्लाम के नाम पर कश्मीरी युवाओं को भड़काने तथा उन्हें अपने संगठन के साथ जोड़ने का भी काम करता था। जाकिर मूसा को A++ श्रेणी का आतंकी माना जाता है। जाकिर मूसा का पूरा नाम जाकिर रसीद भट्ट इलियास मूसा था। वो अवंतीपुरा के नूरपुरा का रहने वाला था। मूसा को पहचान तब मिली जब 2016 में आतंकी बुरहान वानी मारा गया। बुरहान के मारे जाने के बाद जाकिर मूसा सोशल मीडिया पर आतंक का पोस्टर बॉय बना था। गुरुवार को सुरक्षा बलों और एसओजी की टीम को सूचना मिली कि वो त्राल के ददसरा गांव में एक मेडिकल स्टोर चलाने वाले घर में छुपा है। उसी समय सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सुरक्षा बलों ने पहले जाकिर मूसा से सरेंडर करने की अपील की पर जाकिर मूसा इसके लिए तैयार नहीं हुआ और सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया, जिसका जवाब सैन्य बलों ने गोलियों से दिया। पर रात का समय होने के कारण कहीं जाकिर मूसा भागने में कामयाब ना हो जाए, इस डर से सुरक्षा बलों ने पूरे घर को ही बम धमाके से उड़ा दिया और घर के साथ जाकिर मूसा का भी अंत हो गया। कश्मीर में सेना द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट ने पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं की नींद हराम कर दी है। बीते 18 दिनों में सुरक्षा बलों ने 16 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकियों के खात्मे में आतंकी संगठन को अपने अंत की शुरुआत दिखने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।